सिंगरौली में जिला प्रशासन से बात कर विधायक सुभाष वर्मा ने गरीबों को जमीन पट्टा आवंटन का आश्वासन दिया है। विधायक की अगुवाई में गरीबों को जमीन आवंटन की मांग के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। देवसर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुभाष वर्मा क्षेत्रवासियों के हित में काम कर रहे हैं और कोरोना आपदा के दौरान भी उन्होंने समाज के हित में कार्य किए हैं। देवसर के विभिन्न क्षेत्रों में 50 वर्षों से जमीन में कब्जा कर रहने वाले गरीबों को आज तक जमीन का पट्टा नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोग काफी चिंतित थे। जैसे ही इसकी जानकारी विधायक सुभाष वर्मा को लगी तो उन्होंने सभी से मुलाकात की और विषय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुभाष वर्मा ने सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही SDM द्वारा जांच शुरू कर सभी को जमीन का पट्टा वितरित किया जाएगा। हमारे स्थानीय लोग हैं, ये केसर विधानसभा के सुविधा गुजरी खुली गांव है और ये 50-55 सालों से आबादी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे। आज तक इनको पट्टा का भी अधिकार नहीं मिल पाया था किसी कारणों से। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने पत्राचार के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन किया और उन्होंने तत्काल आदेशित करते हुए SDM को जांच करके रिपोर्ट बना के तत्काल पट्टा वितरित की, क्योंकि ये जिस वर्ग से भी हैं इनकी स्थिति कैसे भी जंगल की ज़मीन पर राजस्व की ज़मीन पर रह रहे थे। आज तक इनको पट्टा का अधिकार, खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ा सा काफी करके रह रहे थे। आज इनको पूर्णतः, आज इनके मन में इतनी खुशी देखकर मुझे भी उत्साहित होना पड़ रहा है कि माननीय, हम लोग लगातार माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमेशा विकास की गति बढ़ी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।